এভিডেন্সটা পাবে কোথা থেকে? অ্যাকচুয়াল রেপ হয়েছে না প্রেগন্যান্ট ছিল বা অন্য কোনো কারণ হয়েছে, নাকি কেউ ধরে ধরে চোর মেরেছে, শরীরটা খারাপ হয়েছে, লাভ অ্যাফেয়ার্স তো ছিলই, বাড়ির লোকেরাও সেটা জানতো। ये बंगाल में सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए और रूल 356 कम से कम तो पुलिस को ले लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अपने इस बयान की वजह से विपक्ष के निशाने पर आ गई हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने नदिया जिले में नाबालिग के साथ हुए रेप को लेकर विवादास्पद बयान दिया। ममता ने कहा कि वो जानना चाहती है कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था या वो पहले से ही गर्भवती थी। एविडेंस অ্যাকচুয়াল রেপ হয়েছে না প্রেগন্যান্ট ছিল বা অন্য কোনো কারণ হয়েছে, নাকি কেউ ধরে ধরে চোর মেরেছে, শরীরটা খারাপ হয়েছে, লাভ অ্যাফেয়ার্স তো ছিলই, বাড়ির লোকেরাও সেটা জানতো, পাড়ার লোকেরাও জানতো। এখন যদি কোনো ছেলে মেয়ে কেউ কারোর সাথে প্রেম করে, সেটা আমার আটকানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা ইউপি নয় যে লাভ জিহাদ নিয়ে আমি প্রোগ্রাম শুরু করব। এটা তার স্বাধীনতা। হ্যাঁ, আমরা এটা নিশ্চয়ই দেখব, যদি কেউ অন্যায় করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে। অ্যাকশন হয়েছে, অ্যারেস্ট করা হয়েছে, এবং অ্যারেস্ট করতে গিয়ে কোনো কালার দেখা হচ্ছে না। आपको बता दें, इस मामले में 21 साल के मुख्य आरोपी टीएमसी नेता का बेटा है, जिसके ऊपर नाबालिग के साथ बलात्कार करने का आरोप है। वहीं ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी समेत बंगाल की तमाम विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं। विपक्ष का कहना है कि ममता बनर्जी का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण और असंवेदनशील है। इधर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, क्या पीड़ित टीएमसी की माँ माटी मानुष गवर्नेंस के तहत नहीं आती? सीएम आरोपी को बचाने के लिए उसकी वकील की भूमिका क्यों निभा रही हैं? जिन लोगों ने जुर्म किया है वो उनका बचाव क्यों कर रही हैं? वहीं बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता पर हमला करते हुए कहा कि सीएम आरोपियों को बचा रही है और ऐसे में बंगाल पुलिस को अब केंद्र को अपने हाथों में लेना चाहिए। ये बंगाल में सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए और रूल 356 कम से कम तो पुलिस को ले लेना चाहिए। 355 तो होना ही चाहिए। इतना खराब सिचुएशन कहाँ नहीं है, देश के अंदर कहाँ नहीं है। ये बहुत गंदा बात है, शर्मनाक बात है। हम लोग बीजेपी डेलीगेशन कल जा रहा है, हाईकोर्ट में भी आज एक केस फाइल हो गया सीबीआई के लिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। हालांकि ममता बनर्जी ने आरोपी को बचाने के विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। और तो और, ममता ने यहां तक कह दिया कि इस मामले में पुलिस ने समय पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ये मामला 5 अप्रैल का है और इसमें पुलिस ने 10 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की थी। इधर पीड़ित लड़की के परिवार का आरोप है कि आरोपी ने 4 अप्रैल को अपने जन्मदिन की पार्टी में उसे बुलाया, जहां पर उसने लड़की की ड्रिंक में शराब मिलाने के बाद उसके साथ गैंग रेप किया। अगले दिन अत्यधिक ब्लीडिंग होने से लड़की की मौत हो गई। इस सब के बीच एक बात तो ये साफ है कि नदिया का ये मामला बंगाल की राजनीति में इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला है।